हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। तो गाइस ये है पोको F4 5G फ्लैक्सिबल स्मार्टफोन जिसका मैं आज करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग, और साथ ही साथ इसमें क्या स्पेसिफिकेशन फीचर यह भी आपको बताऊंगा, और इसमें क्या प्रॉज और कॉन्स देखने को मिलेगा ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ ही साथ इसके अंदर मैं आपको BGMI टेस्ट भी करके दिखाऊँगा कि क्या यहाँ पर BGMI किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताऊंगा इस स्मार्टफोन्स के बारे में, जिससे कि आपको यह स्मार्टफोन को खरीदने से पहले एक अच्छी तरह से डिटेल इसके बारे में जान सकते हैं, जिससे कि आपको यह स्मार्टफोन्स खरीदने में कोई भी कन्फ्यूजन्स ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं एंड इसके पूरे स्पेसिफिकेशन फीचर रिव्यू वगैरह को आपके साथ शेयर करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले फीचर की बात करें तो यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले मिल रहा है वो जो कि 6.67 इंचेस का फुल HD डॉल्बी विजन सपोर्टेड के साथ HDR प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल पा रहा है, और यह डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है वो जो कि 1300 निट्स पिक ब्राइटनेस देखने को मिल पा रहा है, और इस डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो जो कि 2400x1080 पिक्सल्स फुल HD का यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, और इस डिस्प्ले का जो आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा वो जो कि 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा, और सैम्पलिंग टच रेट की बात की जाए तो वो जो कि 360 हर्ट्ज़ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि डिस्प्ले वाइज में कहा जाए तो काफ़ी गजब लेवल का यहाँ पे आपको डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है पोको F4 स्मार्टफोन्स के अंदर में। नेक्स्ट हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जो कि आपको परफॉर्मेंस में सबसे पहले अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 12 का MIUI 13 वर्जन का यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि 5G फ्रीक्वेंसी के साथ ये वर्क करता है। और इसमें अगर बात करें प्रोसेसर के, तो यहाँ पे आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 870 का 5G का ऑक्टा कोर चिपसेट मिल रहा है, जो कि 800 सीरीज का ऑप्टिमाइजेबल यहाँ पे आपको ये चिपसेट पड़ रहा है, और ये चिपसेट काफ़ी एक कूल चिपसेट है जो कि आपके गेमिंग और आपके स्मार्टफोन्स के हाई लोडेड वर्क जो भी आप करें इस स्मार्टफोन्स के अंदर में आपको ये काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा यह चिपसेट, क्योंकि यह जो चिपसेट के अंदर में आपको एक 2.0 का लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी लगाया गया है, जिससे कि अगर आपका स्मार्टफोन्स हीट होता है तो जैसे ही आपका स्मार्टफोन्स अभी हीट हुआ और उसी के जस्ट 2 मिनट बाद ऑटोमेटिक आपका स्मार्टफोन कूल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 2.0 का लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी लगाया गया। तो ये एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के में आपको दे रहा है चिपसेट, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कि आपको रैम मिल रहा है 8GB का आपको DDR4 का रैम मिल रहा है, और अगर आप 12GB के साथ जाते हैं तो 12GB का भी आपको रैम यहाँ पे अवेलेबल किया गया है, और अगर आप 8GB रैम वाले वेरिएंट को लेते हैं तो इसमें आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाते हैं, और अगर आप 12GB की रैम वाले वेरिएंट को लेते हैं तो उसमें आपको 256GB का वहाँ पे आपको स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको रैम और स्टोरेज के वेरिएंट आपको अलग अलग करके यहाँ पे इस स्मार्टफोन में लॉन्च किया गया, लेकिन जो प्रोसेसर है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि एज अ सेम आपको देखने को मिल जाएगा चाहे आप किसी भी वेरिएंट को लें, तो यहाँ पे जो इसका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी एक्सीलेंट लेवल का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस स्मार्टफोन्स के परफॉर्मेंस को देखने के बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन्स में गेमिंग एक्सपीरियंस क्या रहेगा, अगर हम BGMI गेम को प्ले करते हैं PUBG गेम को प्ले करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस क्या रहेगा इस स्मार्टफोन्स के साथ, तो यहाँ पे अगर आप गेम प्ले करते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, काफ़ी स्मूथ जायरोस्कोप मिल जाएगा, काफ़ी आपको क्लियरिटी के साथ विजिबल ग्राफिक्स मिल जाएगा। तो हम ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल पाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वाकई में इस स्मार्टफोन्स का सिर्फ आपको गेमिंग टेस्ट बताया जाए जिसमें आपको BGMI टेस्ट PUBG टेस्ट बताया जाए, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियोस बनाया हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दिया गया, तो वहाँ पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इस स्मार्टफोन्स के कैमरा फीचर की, तो यहाँ पर आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप्स किया गया है, जिसमें से एक जो कैमरा है वो जो कि 64 मेगापिक्सल का है, और प्लस जो दूसरा कैमरा वो जो कि 8 मेगापिक्सल का है, और प्लस जो तीसरा कैमरा है वो जो कि 2 मेगापिक्सल का दिया गया, और ये तीनों कैमरा का अलग अलग काम है, और ये तीनों कैमरा अलग अलग पर्चे पे वर्क करता है, जिसमें से अगर हम बात करें सबसे पहले 64 मेगापिक्सल कैमरा की, तो ये जो कि कैमरा है वो जो कि वाइड एंगल का कैमरा है, और ये जो कैमरा है वो f/1.8 अपर्चर पर वर्क करता है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल कैमरा होता है। और बात करें जो दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, वो एक अल्ट्रा वाइड का कैमरा है, यानी अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा है, और ये जो कैमरा है वो जो कि
f/2.2 अपर्चर वर्क करता है। और जो तीसरा कैमरा है वो जो कि 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो लेंस कैमरा है जो कि f/2.4 अपर्चर वर्क करता है। तो ये तीनों कैमरा का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिया गया है जिसकी मदद से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, भी 30fps फ्रेम रेट या फिर 60fps फ्रेम रेट पे। तो ये आपको कैमरा अच्छा यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया गया है बैक में। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको फ्रंट में एक ही सिंगल कैमरा दिया गया जो कि 20 मेगापिक्सल्स का आपको देखने को मिलेगा। और ये जो कैमरा है वो वाइड एंगल का कैमरा है जो कि f/2.5 अपर्चर पर वर्क करता है। और इस कैमरा की मदद से आप जो कि फुल HD एट ओनली ऑन 30fps फ्रेम रेट पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी 30fps फ्रेम रेट पर आप 1080p तक का फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर फ्रंट कैमरा आपको अवेलेबल कर रहा है। तो यहाँ पे कैमरा की बात की जाए तो कैमरा का क्वालिटी नॉट एक्सीलेंट और नॉट गुड, यहाँ पे एक वेरी गुड का क्वालिटी का हम कैमरा कह सकते हैं, नॉट गुड नॉट एक्सीलेंट एक बीच में, यानी वेरी गुड का यहाँ पे आपको कैमरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन्स के अंदर में। लेकिन हम बात करें इस स्मार्टफोन्स के अदर फीचर की, तो यहाँ पे आपको जो बैटरी मिल रहा है वो जो कि 4500 mAh का बैटरी मिल रहा है जो कि 67W का फास्ट चार्जर के साथ आ रहा है। तो इस स्मार्टफोन्स के जो बैटरी है वो थोड़ा सा कम है जो कि ड्रॉप डाउन आपको लग सकता है, लेकिन इसका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा टाइम दे रहा है। और इसमें आपको 67W का यहाँ पे आपको चार्जर मिल रहा है जिसकी मदद से आप अप टू 30 मिनट्स में इसको फुल चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि आपका बैटरी कब ख़त्म हो रहा है ये जो कि आपको उतना जो कि परेशानी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें सेंसर की, तो यस यहाँ पे भी आपको सेंसर अवेलेबल किया गया है। तो यहाँ पे जो आपको सेंसर मिलेगा वो जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और बात करें यहाँ पे स्पीकर्स की, तो यहाँ पे लाउड स्टूडियो स्पीकर्स अवेलेबल किया गया है जो कि एक काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं ऑप्शंस दिया गया है। और बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो कि इस स्मार्टफोन्स के वेट की, तो यह जो कि स्मार्टफोन्स है 195 ग्राम के वेट के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक लाइट वेट हम वेट कह सकते हैं स्मार्टफोन्स का, और ये काफ़ी स्लिम लाइट वेट ये स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल पाएगा। तो इस स्मार्टफोन्स में अंदर में आपको डिस्प्ले परफॉर्मेंस और कैमरा क्वालिटी और साथ ही साथ कुछ चीज़ें बैटरी बैकअप वगैरह सब चीज़ आपको यहाँ पे सही दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन्स में क्या प्रोज और कॉन्स है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रोज की बात करें, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला प्रोज ये होगा कि इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन वाला 120Hz का डॉल्बी विजन सपोर्टेड एमोलेड डिस्प्ले मिला है, यानी डिस्प्ले के मामले में काफ़ी एक्सीलेंट लेवल का यहाँ पर डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया, जो कि एक सबसे बड़ा प्रोज हम कह सकते हैं। और बात करें जो दूसरे प्रोज की, तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मिलेगा वो काफ़ी एक्सीलेंट लेवल का मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको चिपसेट जो है वो 875G का यहाँ पे आपको चिपसेट दे रहा है जो काफ़ी कूलिंग चिपसेट है। और साथ ही साथ इसमें आपको 2.0 का लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी फिट किया गया जिससे कि आपका मोबाइल फोन हीट ना हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे तीसरे प्रोज के, तो यहाँ पे आपको NFC का भी सपोर्ट्स देखने को मिल रहा है जो कि एक बहुत बड़ा प्रोज हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोज की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको वेरी गुड क्वालिटी का यहाँ पे आपको कैमरा मिल जा रहा है, नॉट एक्सीलेंट लेवल बट यहाँ पे वेरी गुड का कैमरा क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा जिसकी मदद से आप 4K तक वीडियो आराम से यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो कि प्रोज की, तो यहाँ पे आपको लाउड स्टूडियो स्पीकर्स भी मिल जा रहा है जो कि काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे स्पीकर्स आपको प्रोवाइडेबल किया गया। तो ओवरऑल कहा जाए तो प्रोज बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे इस स्मार्टफोन्स पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ आपको कॉन्स भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला कॉन्स ये होगा कि इसमें आपको 3.5 mm ऑडियो जैक का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं किया गया, तो ये एक कॉन्स हो सकते हैं। लेकिन इस कॉन्स को भी यहाँ पे सुधार किया गया, तो वो कैसे किया गया, तो जो आपको चार्जिंग केबल मिलेगा जो कि टाइप सी का मिलेगा और उसी के ऊपर आप देखेंगे तो 3.5 mm का ऑडियो जैक लगाने का एक ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन से अंदर टाइप सी केबल लगाएंगे एंड उसके ऊपर से आप 3.5 mm का ऑडियो जैक को आराम से लगा सकते हो। तो इसका भी एक सॉल्यूशन कर दिया गया है, लेकिन अगर आप टाइप सी के से नहीं लगाना चाहते, डायरेक्ट लगाने का आपको मन था, तो ये आपके लिए एक कॉन्स हो सकते हैं। लेकिन ये इसका भी सॉल्यूशंस कर दिया, तो ये हम कॉन्स नहीं कह सकते, लेकिन हाफ हाफ ये पे हम कॉन्स कह
कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्स की, तो यहाँ पे आपको कार्ड स्लॉट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यस, यहाँ पे आप एसडी कार्ड को स्लॉट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको जो 256 GB मिलेगा और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा वही आपका यहाँ पे रहेगा। इसमें आप अलग से चाहेंगे मेमोरी कार्ड से लगा लें तो ये आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो कि तीसरा कौन से आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको शिपिंग टाइप का यानी छोटे छोटे आपको ब्लूटूथ आपको इशू मिल सकते हैं कभी कदाल, लेकिन यह एक नॉर्मल इशू कह सकते हैं, लेकिन आने वाले अपडेट में अगर सुधार हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो सकते हैं। तो ये जो कि स्मार्टफोन से वह काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन से सब चीज़ आपको सही देखने को मिल पा रहा है, लेकिन इसमें आपको वैसे चीज़ें जो कि आपको कॉन्स में देखने को मिले जो कि एक मतलब बेसिक लेवल के थे, तो हम उसको उतना कॉन्स नहीं कह सकते। लेकिन इस प्राइस रेंज में कहा जाए तो ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन से आप इस स्मार्टफोन के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर आप इस स्मार्टफोन को बाई करना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन को आप एब्सोल्युटली बाई कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम्स आने वाले नहीं है। इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हैं, हैवी यूजेस कर सकते हैं, हार्ड लोडेड वर्क भी आराम से इसमें आप कर सकते हैं। तो ये स्मार्टफोन्स आपके लिए बेटर स्मार्टफोन हो सकते हैं अंडर 30,000 के प्राइस में। तो गाइस इस वीडियोस में इतना ही, लेकिन फिर भी आपको इस वीडियोस के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरीज हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे आपके पास सवाल हो जिसका आप पूछना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। थोड़ा सा लेट से दूँ बट आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो गाइस इस वीडियोस में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।